बात करेंगे डिप्रेशन सिस्टम की, जो कल मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, आज ये नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़कर दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में भारी और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश धौलपुर राजाखेड़ा में 237 mm रिकॉर्ड की गई है। अब बात करें आगामी दिनों में बारिश की, तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और जयपुर कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेन की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। इसके बाद 13-14 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि उत्तर पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां 13 सितंबर को भी दर्ज होने की संभावना है। 14 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में और कमी होगी। ज्यादातर इलाकों में वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव होगा, तो अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और केवल पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की ही संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा यदि बात करें अब तक इस मानसून सीजन में दर्ज की गई बारिश की, तो इस मानसून सीजन में आज तक 664 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले के मानसून सीजन में दर्ज बारिश से यदि कंपेयर करें तो ये 49 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले सन 1975 में 665 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई थी। जिलावार यदि देखें तो सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में 1377 mm रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से करीब करीब 2.5 गुना अधिक है। दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर है, यहाँ भी अब तक 1265 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। और इसके बाद करौली में भी 1200 mm से ज्यादा रेनफॉल पूरे जिले में रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार उत्तर पूर्वी राजस्थान में एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के जो हिस्से हैं, खासकर गुजरात की तरफ लगने वाले जब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इनमें सामान्य बारिश रिपोर्ट की गई। धन्यवाद।